सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। सभी का सक्सेस की 98 में, और आज का क्लास क्या है? इंग्लिश का, ठीक है। थोड़ा मैं हिंट्स बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा एरर्स में जो क्वेश्चन आते हैं आपको सॉल्व करने में थोड़ा क्या इजीली हो जाएगा। देखिए आज का क्लास तो आप देख समझ ही गए होंगे, एपोस्ट्रॉफ के ऊपर है। जैसे नीचे में अगर मैं कॉमा लगाता हूं किसी सेंटेंस को लेकर, नीचे में लगता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? कॉमा। अब जैसे ही ये वाला ऊपर में ट्रांसफर होता है सेंटेंस के ऊपर में, जैसे जीतूस ऐसे लग गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं एपोस्ट्रॉफ। लेकिन ये लगता क्यों है और लगता है तो कब लगता है, ये भी तो जानना जरूरी है ना एरर्स के लिए। तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट में जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखो एपोस्ट्रॉफ का मतलब क्या है? पोसेशन। हम लोग बोलते हैं ना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पोसेसिव नाउन, पोसेसिव नाउन मतलब क्या? किसी चीज का पोसेशन दिखा रहा है, संपत्ति। जहां भी वर्ड में सेंटेंस में हिंदी में लिख रहा हूं थोड़ा समझ जाओगे, का की और के का स्वर आ जाए, प्रोनाउंसिएशन आ जाए सेंटेंस में, तो क्या लगता है? तो लगता है एपोस्ट्रॉफ। अगर मैं एग्जाम्पल देकर समझाऊं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए, तो अगर मैं बोलूं कि द कार ऑफ प्रेम, मतलब प्रेम की गाड़ी, प्रेम की गाड़ी, अगर इसको हम पोसे एपोस्ट्रॉफ लगाकर शॉर्ट में ये सेंटेंस बनाए तो कैसे बनेगा? नॉर्मल, जो हमारा प्रेम है उसके बाद ये लगा दीजिए प्रेम कार, हो गया। कहने का मतलब क्या था? प्रेम की गाड़ी, स्वर क्या आ गया? की का स्वर आएगा तो एफ स्टॉप लगाएंगे। तो हम क्या किए? प्रेम और ऊपर में एफ स्टॉप ऐसे लगा दिए, कार, हो गया यही। अब लेकिन देखिए इसके बहुत पेचीदे रूल है, कभी कभी दो तीन रूल है, वो आप देख लेना, गलती मत करना वीडियो थोड़ा देखकर। वो खत्म नहीं हुआ है अभी, तो मेन चीज बाकी है। देखिए लेकिन यहां पर सिंगुलर प्लूरल वाला केस भी है, सिंगुलर और प्लूरल वाला भी। सिंगुलर सेंटेंस में तो हम सब्जेक्ट के बाद एस लगा देते हैं, नाउन के बाद जो हमारा मेन है हो जाता है। जैसे एग्जांपल देकर समझाते हैं आपको, देखिए अभी तो बोले कि प्रेम की गाड़ी, तो क्या बोले? प्रेम कार, चिड़िया के अंडे, चिड़िया के अंडे, मतलब चिड़िया के अंडे मतलब क्या हुआ? बर्ड्स। ऊपर मैशअप लगाए का, चिड़िया के अंडे, का की का स्वर आया, तो बर्ड प्रेम ये सब क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर वाले के साथ तो नॉर्मल आप ऊपर में एस, ये एपोस्ट्रॉफ लगाकर एस लगा दीजिए, हो गया। लेकिन कुछ सेंटेंस जो वर्ड प्लूरल है उसमें क्या करेंगे, जिसमें पहले से ही एस लगा हुआ है उसमें क्या करेंगे? जैसे मैं बताऊं आपका एग्जाम्पल, घोड़ों की टांगे, घोड़ों की टांगे मतलब घोड़ों, बहुत सारे घोड़े हैं, तो क्या होगा? घोड़ों की टांगे, काकी का स्वर तो आ गया ना, घोड़ों की टांगे, तो देखो बहुत सारे घोड़े हैं तो हॉर्सेस तो आएगा ही, हॉर्सेस, और टांगे भी बहुत सारे हैं तो क्या होगा? लेग्स। अब हमारा एपोस्ट्रॉफ तो आएगा ही आएगा, काकी का स्वर के लिए एपोस्ट्रॉफ तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहां पर एस आएगा कि नहीं आएगा? एस नहीं आएगा, सिर्फ एपोस्ट्रॉफ आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एस पहले से लगा हुआ है, ठीक है ना। इस चीज को आप अच्छे रखना, अच्छे से याद रखना। प्लूरल वाले केस में जिसमें ऑलरेडी एस लगा हुआ है उसमें फिर से दोबारा एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक बार एक्स आएगा। अगर मैं बोलूं बच्चों के बहुत सारे किताबें, बच्चों के बहुत सारे किताबें, बच्चों मतलब बहुत सारे बच्चे हो गए, बच्चों के मतलब बेबीज, बेबीज हो गया, बी ए बी आई ई एस, बेबीज, बुक, बेबीज बुक्स, बेबीज बुक्स, ये तो आएगा। अब यहां पर बच्चे बहुत सारे हैं, बहुत सारे बच्चों के किताबें, तो काकी का स्वर तो आ रहा है ना, के, बहुत सारे के किताबें, तो एपोस्ट्रॉफ पे आएगा, लेकिन ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसमें एस लगा हुआ है तो फिर से दोबारा एस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक बात और, ऐसे भी तो बहुत सारे प्लूरल वर्ड है जिसमें एस नहीं लगा है फिर भी वो प्लूरल है, जैसे कैटल, देखो
कैटल में तो प्लूरल वर्ड है कैटल, वुमेन, चिल्ड्रेन, इसमें तो एस नहीं लगा हुआ है ना, लेकिन ये भी है तो प्लूरल, ये भी तो प्लूरल है ना, इसमें तो वर्ड नहीं। कैटल मतलब क्या होता है, गाय, भैंस, बकरी, तो ये भी तो क्या है प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, और इसमें भी एस नहीं लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे भैया? देखो अगर मैं बोलूं कि बहुत सारे औरतें हैं और औरतों की साड़ी, बहुत सारे औरतों की साड़ियां, काकी का स्वर आ गया, तो बहुत सारे औरतें हैं, तो हम तो ये तो पहले, ये तो पहले लिखेंगे ही लिखेंगे, वुमेन साड़ीज, वुमेन साड़ीज तो लिखेंगे लिखेंगे। अब हमारा वुमेन्स में एस आएगा कि नहीं आएगा? बहुत सारे औरतें हैं उनकी साड़ियां हैं, तो काकी का स्वर आ गया, औरतों की साड़ियां, औरतों की साड़ियां, काकी का प्रोनाउंसिएशन आ गया ना, तो यहां पर एफ स्टॉप तो आएगा ही आएगा, लेकिन अब एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये तो वर्ड अपने आप में प्लूरल है, एस लगाएंगे इसमें, इसमें एस लगेगा, ठीक है। अब एक बात देखिए, एक और बात, जब दो वर्ड को जोड़ता है कोई वर्ड, पोसेसिव नाउन होता क्या है, जब दो वर्ड को जुड़ता है, काकी का संबंध दिखाता है हमको दो वर्ड में, जैसे जीतू की गाड़ी संबंध दिखा रहा है ना, जीतू का गाड़ी है, औरतों की साड़ी, औरतों की साड़ी, संबंध दिखा रहा है ना, रिलेशनशिप दिखा रहा है। जैसे हम बोले प्रेम और जीतू का गाड़ी, प्रेम और जीतू का गाड़ी, प्रेम और जीतू का गाड़ी, मेरे बातों को ध्यान से सुनना, प्रेम और जीतू का गाड़ी, तो आप बोलोगे भैया प्रेम और जीतू का आ गया, मतलब पॉजिटिव नाउन लगेगा, एफोस्ट्रॉफ ऊपर में लगेगा। अब एफोस्ट्रॉफ कहां लगेगा आप बताओ, ये हो गया हमारा प्रेम, प्रेम एंड जीतू कार, प्रेम और जीतू की गाड़ी, गाड़ी तो एक ही है, अब कहां लगेगा, प्रेम में लगेगा या फिर जीतू में लगेगा, जो भी दूसरा वाला सब्जेक्ट है, जो भी दूसरा वाला है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसकी, उसके साथ लगेगा, जिसका पोजीशन दिखा रहा है, ठीक है, पहले वाले के साथ नहीं लगता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं, मिया बीबी की लड़ाई, मिया बीबी की लड़ाई, तो हम क्या बोलेंगे उसको, हस्बैंड एंड क्या, हस्बैंड एंड वाइफ्स फाइट, वाइफ के बाद लगेगा एस, हस्बैंड के बाद नहीं, क्या होगा, ठीक है। लेकिन एक बात और देखिए, हम क्या बोले कि दूसरे वाले के साथ लगेगा, मेरी बातों को अच्छे से सुनना, एरर्स में बहुत हेल्प करेगा। अगर मैं एक बात और आपको बोलूं कि प्रेम और जीतू की गाड़ी ब्लैक एंड ब्लू, देखो मैं बताता हूं लिखकर, प्रेम एंड जीतू कार्स आर ब्लैक एंड ब्लू रिस्पेक्टिवली। अब अगर इसको हम पोजेशन दिखाना पड़ेगा, शॉर्ट कर पोजेशन दिखाना है, एफोस्ट्रॉफ लगाना है, प्रेम और जीतू की गाड़ी ब्लैक और ब्लू है, प्रेम और जीतू की का स्वर आ गया ना, तो एफोस्ट्रॉफ लगेगा। अब कहां लगेगा प्रेम और जीतू में, आप बोलोगे भैया अभी तो आप बताएं कि सेकंड वाले साथ लगा दीजिए, नहीं लेकिन अभी हम फिर बता रहे हैं कि आप दोनों में लगाना है, आप बोलोगे भैया क्या मजाक है, अभी बोल रहे हैं कि दूसरे वाले के साथ लगाओ, अभी बोल रहे हैं कि दोनों में लगाओ। देखिए यही तो लफड़ा था, पहले वाले सेंटेंस में क्या था ना, पहले वाले जो सेंटेंस था उसका इंडिकेशन एक ही तरफ था, उसका रिलेशनशिप एक ही चीज के साथ था, मतलब हम बोले मिया बीबी की लड़ाई, तो मिया बीबी की लड़ाई इंडिकेशन एक ही तरफ है, किसके तरफ है, लड़ाई की तरफ है, ठीक है। तो मिया की लड़ाई हो या फिर बीबी का लड़ाई हो, लड़ाई तो एक ही है ना। अगर मैं वही बोला उसके आगे वाले सेंटेंस में, प्रेम और जीतू की गाड़ी, प्रेम और जीतू की गाड़ी, मतलब इंडिकेशन क्या है, दोनों का एक ही तरफ है, गाड़ी की तरफ है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, प्रेम और जीतू की गाड़ी अलग अलग है, ब्लैक और ब्लू कलर की है, दोनों का इंडिकेशन अलग है, एक की गाड़ी तो है दोनों की, लेकिन दोनों का गाड़ी का कलर अलग अलग है, वो भी मेंशन किया गया, ब्लैक एंड ब्लू। तो अब क्या होगा, अब दोनों में लगेगा, प्रेम्स एंड क्या, प्रेम्स एंड क्या,
प्रेम्स एंड जित्तूस, प्रेम एंड जित्तूस कार, क्या प्रेम्स एंड जित्तू कार्स ब्लैक एंड ब्लू रिस्पेक्टिवली, ब्लैक एंड ब्लू रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये होगा करेक्ट वर्ड। तो अभी तक तो आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे कि इसका वर्ड कैसे आएगा। अगर एग्जाम में अगर आपको पूछ दे एरर्स डालकर यहां पर एफ स्टॉप दे और ऐसे कर दे, तो आप क्या बोलोगे कौन सा एरर है, आपको तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको ये रूल्स पता है तो आप बोलोगे अरे दोनों का इंडिकेशन तो अलग अलग है, पक्का ये मेरा आंसर होगा। आंसर क्या होगा, ए। तो ऐसे आप ये चीज जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं माय सिस्टर ब्रदर इज कमिंग माय होम, माय सिस्टर ब्रदर इज कमिंग माय होम, इसमें देखो इस सेंटेंस को अगर हिंदी में मैं प्रोनाउंसिएशन करूं तो क्या होगा, मेरी बहन का भाई, माय सिस्टर ब्रदर फ्रेंड। अच्छा थोड़ा ये का एक बार आ गया, अगर मैं दो बार एक्चुअल माय सिस्टर फ्रेंड ब्रदर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं माय सिस्टर फ्रेंड्स ब्रदर इज कमिंग माय होम, मतलब मेरी बहन का दोस्त का भाई, मेरी बहन का दोस्त का भाई मेरे घर आ रहा है। अब देखो का की का स्वर तो दो बार है, एक बार का यहां लगा एक बार का यहां लगा, तो अब आप बोलेंगे भैया सिस्टर में भी लगा है फ्रेंड्स में भी लगा है क्या, हम बोलेंगे नहीं, क्यों, अभी तो समझा है इंडिकेशन तो एक ही तरफ है ना, मेरी बहन का भाई का, मेरी बहन के दोस्त का भाई, मेरी बहन के दोस्त का भाई मेरे घर आ रहा है, आ तो रहा है एक ही जगह ना, घर आ रहा है तो लगाएंगे एक ही बार, दो बार नहीं लगेगा सेंटेंस में वर्ड, दो बार नहीं लगेगा। तो एक्चुअल सेंटेंस हम इसको सही कैसे कर सकते हैं, इसको हम सही कर सकते हैं द ब्रदर ऑफ माय सिस्टर सिस्टर फ्रेंड, द ब्रदर ऑफ माय सिस्टर फ्रेंड इज कमिंग माय होम, ठीक है, द ब्रदर ऑफ मेरी भाई, मेरे भाई की बहन का फ्रेंड, बहन का फ्रेंड, देखो एक बार लगा सिस्टर, लेकिन इस वर्ड में क्या था सेंटेंस पूरा गलत था, दो बार लग रहा था, द माय सिस्टर फ्रेंड्स ब्रदर, मेरी बहन का भाई, मेरी बहन का दोस्त का भाई, मतलब एक बार का या एक बार का यहां लगेगा एक ही बार, ठीक है, क्योंकि इंडिकेशन एक ही तरफ एक घर आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, और बहुत लंबा क्लास जाएगा अगर मैं कराऊं तो, क्योंकि नाउंस वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अगर आप लोगों ने, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नाउन का वीडियो दे दिया, वहां पर तो मैं बहुत डिटेल में समझाया हूं जो आपको एरर्स में हेल्प करेगा, ठीक है ना। और एक बात और मैं बोल दूं, बहुत सारे अभी इंग्लिश में वर्ड है एरर्स कराने के लिए, सो आगे क्लास आया कराता रहूंगा, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी का थैंक यू।